कन्या राशि के जातकों, 19 मई को आपकी कुंडली में जबरदस्त योग बनने जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन जबरदस्त योग बन रहे हैं जो आपको जीवन में सफलता और आपको प्रगति देंगे, साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। लेकिन वही फिर लेकिन लगता है कि कौन सा उपाय करें, क्या ऐसा कुछ करें कि इन जो योग आया है इनका आपको लाभ प्राप्त हो सके। साथियों, ठीक उसी प्रकार से जैसे गवर्नमेंट बहुत योजनाएं चलाती है, आप आवेदन नहीं करोगे तो आपको लाभ कहाँ से मिलने वाला है, इसी प्रकार से ग्रह जब हमारे फेवर में आते हैं तो हमें कुछ उपाय अपाय करने पड़ते हैं जिसकी वजह से उनके शुभ प्रभाव हमें प्राप्त हो सके। और अगर अशुभ प्रभाव में ग्रह है तो फिर बचाव के लिए भी आपको कुछ ना कुछ ज्योतिष उपाय करना पड़ता है, तब आपका बचाव होता है। इसी प्रकार से जब शुभ ग्रह हो तो आपको क्या करना चाहिए, इसी वीडियो में बताते हैं। क्योंकि 19 मई को आपकी कुंडली में तीन जो है शुभ योग बनने वाले हैं। पहला त्रिग्रही योग बन रहा है 19 मई से, दूसरा मालव्य नामक योग बन रहा है, तीसरा आपकी कुंडली में शुक्र आदित्य योग भी बन रहा है। बहुत बड़ी बात है, 12 साल के बाद यह योग बन रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शुक्र और सूर्य की युति, यहां पर शुक्र आदित्य योग बनाएगी और शुक्र आदित्य योग, क्योंकि शुक्र जो है आपको मान सब, आपको धन सुख, जितना भी सुख है वो कैसा भी सुख होने दो, ऐश्वर्य शुक्र के द्वारा प्राप्त होता है, और समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सूर्य के द्वारा। तो शुक्र आदित्य योग आपके लिए जो है 19 मई से बनने जा रहा है, जो जबरदस्त लाभ देगा कन्या राशि के जातकों। लेकिन जो उपाय आज इस वीडियो में बताएं जरूर कर लेना और देखना कि आपकी किस्मत बदलने और भाग जागने और चमकने में वक्त नहीं लगेगा। सारी परेशानियां ऐसे उड़ेंगी जैसे आसमान पर काले बादलों को हवा उड़ा ले जाती है। साथियों, 19 मई 2024 को शुक्र वृषभ राशि में प्रातःकाल 8:44 पर प्रवेश करेंगे, और जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यहां पर मालव्य नामक योग बनेगा, और एक ऐसा योग जो आपको धन सुख सुविधाएं ऐश्वर्य लग्जरी लाइफ सारी चीजें उपलब्ध कराएगा। वहीं शुक्र आदित्य योग बनेगा, क्योंकि शुक्र जो है सूर्य के साथ युति करेगा भाग्य स्थान पर नवम भाव में, तो भाग्य का जागरण भाग्य का चमकना स्वाभाविक है। क्योंकि शुक्र आदित्य योग आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सरकारी नौकरी विदेश यात्रा यात्राएं बहुत कुछ देने वाला है। ये जो योग आए हैं इनको आप कमजोर मत समझिए। और वहीं त्रिग्रही योग यानी कि गुरु और शुक्र की युति, सूर्य की युति, ये तीन ग्रहों की युति, गुरु शुक्र और सूर्य तीनों की युति, त्रिग्रही योग आपको जबरदस्त लाभ देगा। क्योंकि 1 मई को गुरु पहले से ही वृषभ राशि में आ गए, 14 मई को सूर्य आ गए, अब आप 19 मई को शुक्रदेव प्रवेश करने जा रहे हैं आपके भाग्य स्थान पर। और कन्या राशि के जातकों, शुक्रदेव जो हैं आपके धन भाव के स्वामी हैं, यानी कि उनका धन की जो चाबी है आपकी वो उनके पास है, खजाने की चाबी आपकी उनके पास है, और वो भाग्य स्थान पर आकर बैठ रहे हैं, भाग्य के भी मालिक हैं। तो शुक्र जो है आपके धनेश है, वो भाग्येश है, वो भाग्य स्थान पर जबरदस्त, एक ऐसा भाग्य स्थान पर बैठना उनका जबरदस्त योग देगा आपको और बहुत जीवन में आगे बढ़ाएगा। साथ ही साथ एक बात और बताने जा रहे हैं, उसको विशेष ध्यान रखें। आपको लाभ तो बहुत मिलेंगे, नवीन समाचार मिलेंगे, गुड न्यूज़ मिलेगी, कारोबार में वृद्धि होगी। ये क्यों होगा? क्योंकि मालव्य नामक राजयोग बना है, वहीं गुरु और सूर्य की युति है, तीनों ग्रहों की युति है। इससे क्या लाभ होगा? आप जो भी कार्य करेंगे उसमें प्रशंसा के पात्र बनेंगे, आपके कार्यों की, आपके जो आपकी वर्किंग है उसको लेकर के भी लोग जो है चर्चा करेंगे। और अगर आप भूले से भी राजनीति में हैं
तो इस समय ये समझ लो आपका झंडा बुलंद है। आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो भी आपका झंडा बुलंद है। सोशल मीडिया या जो भी माध्यम है ऐसा जो प्रचार प्रसार का है, जो बोलने का है, ऐसी जगह पर आप वर्क करते हैं, अनुवादक हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, निश्चित मानकर चलो कन्या राशि के जातकों, स्त्री हो या पुरुष, आपकी प्रगति के दिन यह शुरू हो चुके हैं। 1 मई से शुरू हुए हैं लेकिन 19 मई को और इसमें इजाफा होगा, इसकी पावर बढ़ेगी, इसकी ताकत बढ़ेगी, नए लोगों से मुलाकात होगी, वो भी लाभदायक स्थिति में होगी, धन का आगमन जबरदस्त होगा, वहीं धन लाभ के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, नए ऑफर्स मिलेंगे, नई चीजें होंगी, गई हुई खोई हुई नौकरी आपको प्राप्त होने वाली है या हो भी चुकी हो इन बीचों में। आप प्रयासरत रहें, उपाय में आपको हर बार जो चीजें बताते हैं, बार बार दोहराते हैं, जरूर कर लें और फिर देखें आपकी दिशा और दशा दोनों बदलती है कि नहीं, आपका भाग्य चमकता है कि नहीं। कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा है, वो भी आपको साल्व होगा, उसमें भी आपको जीत मिलेगी, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। झगड़े फसाद हैं, रिश्ते कमज़ोर पड़ गए हैं, रिश्तों में मजबूती आएगी, बहुत ढेर सारे लाभ इन तीनों योगों की वजह से होंगे। शुक्रादित्य योग आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, पैसा, माला माल सब कुछ करेगा, और चूंकि शुक्र अपनी स्वयं राशि में बैठे हैं और धन भाव के आपके स्वामी हैं, वसीयत के द्वारा भी और एक तरीके से ये समझो बख्शीश में भी यानी कि दान में भी बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकेंगे इस माह। बहुत जबरदस्त योग हैं ये सारे ग्रह, आपको राजा बनाने के लिए आए हैं और कैसे आपको आगे बढ़ना है इस चीज की प्रेरणा आपको बराबर और निरंतर देते रहेंगे। ध्यान क्या रखना है, आलस छोड़ दें, आलस करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठें अगर कामयाब होना है, और फिर देखें ज्यादा नहीं 45 दिन कर लें, 90 दिन कर लें, देखें आपकी दशा और दिशा नहीं बदल जाए, तब आप बोलना गुरुजी आपने क्या उपाय बताया था। इस वीडियो को देखने के बाद स्त्री हो या पुरुष कन्या राशि के हैं तो सूर्य उदय के पहले उठना शुरू कर दें, भाग्य बदल जाएगा आपका, क्योंकि सातवें भाव में बैठा राहु आपको आलसी बना रहा है। जो काम अब आज करना है उस काम को कल पे छोड़ देते हो, जो काम अभी करना है उसको सोचते हो शाम को कर लेंगे, ऐसा मत करें। आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से यह मानकर चलें कि कामयाब होना है तो आलस आपको छोड़ना पड़ेगा, पहला। दूसरा आपको जो सावधानी बता रहे हैं तो दूसरी सावधानी में आपको क्या करना है, अपनी वाणी को विनम्र कर देना है, ऐसा कोई वाक्य किसी को नहीं बोलना है जिससे उसके दिल पर चोट पहुंचे या उसका मन दुखे, क्योंकि आप अनजाने में ही बहुत कुछ बोल जाते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कुछ लोगों को तकलीफ होती है। आपका स्वभाव ऐसा नहीं है लेकिन कभी कभी मूड आपका जब बहुत डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्ब होने का कारण आप खुद होते हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप वाणी को विनम्र रखें। और तीसरी बात बताने जा रहे हैं, कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखें, कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखें, ये सारी चीजें ध्यान रखें। और हरे मूंग की दाल एक मुट्ठी लेकर, मैं हर वीडियो में बताता हूं, बिना गिने उतार कर घर के बाहर फेंके, फिर देखें आपकी लाइफ में चमत्कार होता है कि नहीं, किस्मत बदलती है कि नहीं, दुख दूर होते हैं कि नहीं, बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और गले में 4 मुखी रुद्राक्ष, हर बार बोलता हूं कन्या राशि के जातकों, सुखी रहना है, जीवन में आगे बढ़ना है, कामयाबी हासिल करनी है, 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।